भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी के लोकप्रिय कलाकार आशीष शैलेंद्र का कल रायपुर में निधन हो गया। आपने आशीष शैलेंद्र को निरहुआ हिंदुस्तानी और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में देखा होगा। साथ ही आपने प्रवेश लाल यादव की फिल्म घुंघटे में घोटाला में आपने आशीष शैलेंद्र को देखा होगा प्रवेश लाल यादव के पिता के किरदार के रूप में। आज उसी आशीष शैलेंद्र को याद कर भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी लोग दुखी हैं। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि आशीष शैलेंद्र अब उनके बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि आशीष शैलेंद्र भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काफ़ी लोकप्रिय कलाकार थे। उन्होंने कई उभरते हुए कलाकारों को नई दिशा दी थी। भोजपुरी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, सभी को जैसे ही ये पता चला सभी काफ़ी दुखी हुए। प्रवेश लाल यादव ने तो उनके साथ अपनी एक फ़ोटो भी पोस्ट की और इस खबर पे गहरा शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि आशीष शैलेंद्र रायपुर के हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि उनके अंतिम क्षणों में भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी कोई भी कलाकार उनका हाल चाल लेने वहां नहीं पहुंचा। जैसे ही उनका निधन हुआ, उनके बेटे विक्रांत शैलेंद्र ने इसकी पुष्टि की कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और एक इमोशनल पोस्ट भी किया। आशीष शैलेंद्र के योगदान, उनके द्वारा की गई लोगों की मदद को उनके बेटे विक्रांत शैलेंद्र ने याद कराया। उनके आखिरी पलों में उन्हें देखने भोजपुरिया का कोई भी सितारा और छत्तीसगढ़ी का कोई भी आर्टिस्ट नहीं आया। कितनी दुख की बात है ये। आशीष शैलेंद्र को स्पेशल भोजपुरी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।